अगली खबर उज्जैन से आ रही है, जहां विक्रम विश्वविद्यालय में फर्जीवाड़ा कर नियमों के विपरीत कुछ लोगों को लाभ देने की शिकायतों का दौर थम नहीं रहा है। पहली पीएचडी की प्रवेश परीक्षा में फर्जीवाड़े की सप्रमाण शिकायत पर अभी जांच भी पूरी नहीं हुई है। ऐसे में एक और फर्जीवाड़ा होने का मामला आया है। आरोप है कि इंजीनियरिंग विभाग के अतिथि विद्वान को बिना अवकाश दिए वेतन के साथ आर्थिक लाभ देते हुए पीएचडी कोर्स वर्क का विद्यार्थी बताकर नियमों को ताक में रख दिया। छात्र ने मांग रखी है कि इंजीनियरिंग की कोर्स वर्क परीक्षा स्थगित की जाए। कुलपति का कहना है कि ऑर्डिनेंस में नियम देखकर कार्यवाही करेंगे। विक्रम विश्वविद्यालय में गुरुवार को एनएसयूआई के छात्रों ने जमकर हंगामा किया। छात्र नेता बबलू खिंची ने बताया कि विश्वविद्यालय प्रशासन ने इंजीनियरिंग विभाग में कार्यरत अतिथि विद्वानों को अनुचित लाभ पहुंचाने के लिए नियमों की अनदेखी की जा रही है। नियम विरुद्ध बिना किसी अवकाश स्वीकृत के उन्हें कोर्स वर्क का विद्यार्थी भी बनाया और उन्हें कोर्स वर्क अवधि में ही मासिक भुगतान भी दिया जा रहा है, जो कि स्वयं के ही निर्धारित नियमों का उल्लंघन है। खिंची ने कहा कि इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी विभाग ने वर्ष 2021-22 में हुई पीएचडी प्रवेश परीक्षा में गंभीर अनियमितताओं के प्रकाश में आने और फेल विद्यार्थियों को पद का दुरुपयोग कर पास करने के लिए उत्तर पुस्तिकाओं में कूट रचना करने की प्रामाणिकता विश्वविद्यालय द्वारा गठित जांच समिति के द्वारा प्रारंभिक तौर में की जा चुकी है। ऐसे में इंजीनियरिंग की कोर्स वर्क परीक्षा स्थगित की जाए। हंगामे के दौरान एनएसयूआई के जिलाध्यक्ष अंबर माथुर, प्रदेश सचिव तरुण गिरी, दीपेश जैन, बिट्टू चौकसे, संदीप पवार और अर्जुन परमार मौजूद थे। विश्वविद्यालय द्वारा ही पीएचडी पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए निर्धारित नियमावली बिंदु 7 के अनुसार कोर्स वर्क पाठ्यक्रम पूर्णकालिक पाठ्यक्रम होगा। अतः शासकीय अशासकीय सेवारत अभ्यर्थी सक्षम अधिकारी से कोर्स वर्क पाठ्यक्रम में सम्मिलित के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र में अवकाश स्वीकृत के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य है, जबकि इस नियम का पालन ही नहीं किया गया। 6 बजे बाद कॉपी गोपनीय में जमा होने के बाद वो कॉपी कमेटी के घर ले गए और साइन करवा के उन दो लोगों की ही कॉपी उत्तर पुस्तिका में 15 से 45 नंबर हुए और 26 से 45 हुए। उन दोनों को अभी विश्वविद्यालय कोर्स वर्क करा रहे हैं कि विश्वविद्यालय में कोई भी कोर्स वर्क करता है, ये देश की परिचय पीएचडी, उसको कहीं भी सरकारी विभाग से छुट्टी लेना पड़ती है और अनापत्ति प्रमाण पत्र ला के देना पड़ता है। उनसे क्यों नहीं लिया? 25 लोग ऐसे हैं जो विक्रम विश्वविद्यालय में जो कोर्स वर्क की परीक्षा दे रहे हैं, मतलब इनको अवैध रूप से सैलरी निकाली जा रही है। 25 लोगों की 40,000 रुपए से सैलरी होती है, 60 लाख रुपए, तो आधे पैसे कुल सचिव जी के हैं, वो आधे पैसे उनको उपलब्ध किए जाए, ये इतना बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है। आर्थिक पढ़ाई के साथ साथ उन्हें उच्च शिक्षा में अवसर दिया जाता है, इसका मैं अपने ऑर्डिनेंस में दिखवाऊंगा अपना, यदि उसमें ऑर्डिनेंस में कोई ऐसी दिक्कत होगी तो मैं फिर उनके एक्शन लूंगा।